मेरे सभी सनातन प्रेमी और अध्यात्म प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उन सब का अपने चैनल में अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं चंद्रमा खाना नंबर 8 में क्या प्रभाव देता है, इसके शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव क्या है। मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर आदमी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री को सरल से सरल तरीके से सीखे। दुनिया में सनातन और अध्यात्म का प्रसार हो, मैं आप सब से भी अपेक्षा करता हूं कि आप मेरा साथ दें। मैं अपना जीवन इस काम के लिए ही लगाया है और लगाऊंगा। अंतिम सांस तक सनातन के प्रसार के लिए काम करता रहूंगा। खाना नंबर 8 में जब चंद्रमा रहते हैं, ये कैसे परिणाम देने वाले होते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपको बेसिक सीखना होगा। सबसे पहले हमें ये सीखना है चंद्रमा क्या इंडिकेट करता है। चंद्रमा का माँ का रिलेशंस हमारी मानसिकता से है, हमारी सोच से है, इंट्यूशन से है, जो हम बिहेव करते हैं उससे है। चंद्रमा का रिलेशन हमारी माता से है, चंद्रमा का रिलेशन माता के द्वारा दी गई एजुकेशन से है, चंद्रमा का रिलेशन हमारे कंफर्ट से है, प्रॉपर्टी से है। जबकि 8th हाउस किसे इंडिकेट करता है ये जानना बहुत जरूरी है। 8th हाउस हमारी लॉन्गेबिलिटी आयु को इंडिकेट करता है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंजेस, अचानक होने वाली घटनाएं 8th हाउस से जानी जाती हैं। 8th हाउस डार्क साइड को इंडिकेट करती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लॉस, फोबिया, ये सब कुछ 8th हाउस से जाना जाता है। 8th हाउस हिडन नॉलेज, ऑकल्ट साइंस, मिस्टीरियस थिंग्स, अदर्स प्रॉपर्टी, ये सब कुछ भी 8th हाउस से जाना जाता है। यदि हम बेसिक समझेंगे तो हमें एस्ट्रोलॉजी सीखने में बहुत ही आसानी रहेगी। इसलिए सबसे पहले हम बेसिक से 8th हाउस को दूस्थान कहा गया है, बैड हाउस। बैड हाउस में एक अच्छा ग्रह आ गया तो क्या प्रभाव देगा। अच्छा ग्रह तो अच्छा ग्रह प्रभाव देगा, लेकिन कब देगा, आओ हम इस वीडियो में जानें। जो जातक जिनका 8th हाउस में चंद्रमा है, इस अपने लग्न कुंडली में जिनका 8th हाउस में चंद्रमा है, उन जातकों का बालारिस्ट नामक रोग होता है। बाल्यावस्था में उनकी तबीयत खराब रहती है, इल हेल्थ। उन्हें ज्यादातर किस मंदी रोग होंगे, नजला, जुकाम, खांसी, जुकाम, नमूनिया, प्रायः जिन्हें इन तरह के रोगों से जूझना पड़ता है। मैंने कई बार देखा है शीतपित्त, अर्टिकेरिया, खारिश, एलर्जी की प्रॉब्लम भी इन जातकों को रहती है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया। 40 साल के एक्सपीरियंस में मैंने इनके बाल्यावस्था में इनकी इल हेल्थ रहती है। इनका मूड स्विंग ज्यादा होता है। जे जातक, इनका भाग्य उदय 22-23 साल के बाद होता है। जे जातक बहुत ही धार्मिक होते हैं, चैरिटी के काम करने वाले होते हैं। इनका फाइनेंशियल स्टेटस भी अप्स एंड डाउन्स होता है। जे जातक बहुत बढ़िया ओकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, हीलर्स हो सकते हैं। जे जातक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। जे जातक आपदा में लोगों को बचाने वाले, आर्मी पर्सन्स, पुलिस पर्सन्स, बीएसएफ में काम करने वाले, इस तरह के बन सकते हैं।
ये जातक जो हैं सीबीआई में गुप्तचर विभाग में बहुत अच्छे परफेक्ट कामयाब हो सकते हैं। ऐसे जातक हीलर्स, डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। हम अपने बर्थ चार्ट को देखें और इनके द्वारा ही गाइडलाइन लें कि हमारा बर्थ चार्ट कहता है जिन जातकों का एट हाउस में चंद्रमा है, उन मैं सभी पेरेंट्स को अपील करता हूं आप अपने बच्चों का लग्न चार्ट देखें। यदि लग्न चार्ट में आप एट हाउस में चंद्रमा लेकर आपका बच्चा पैदा हुआ है उसके गले में चंद्रमा धारण करा दीजिए। उसके गले में चंद्रमा धारण कराना है, उसको ठंडा पानी नहीं देना, उसको ठंड से बचाना है। ऐसे जातकों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब थोड़े बड़े हो जाएं, ग्रो अप हो जाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज उनके लिए बहुत ही जरूरी है, ब्राह्मणी अनुलोम विलोम बहुत ही जरूरी है। ऐसे जातक मेडिटेशन, योग और प्राणायाम जरूर करें। मेरा भी प्राय ये है कि जो ऐसे जातक जिनका एट हाउस में मून है, मैं उनके लिए अपील करता हूं वो जातक लंग्स की डिटॉक्सिफिकेशन जरूर करें, अपने लंग्स के ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें, अवश्य करें, ताकि उन्हें इस वंदी रोग ना हो। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को ही ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहता हूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी के द्वारा लोगों को जागृत कर सकूं, सनातन के लिए कुछ कर सकूं, सनातन का प्रसार कर सकूं, अध्यात्म का प्रसार कर सकूं, लोगों में इनके लिए इंटरेस्ट बढ़ सकूं। यही मेरी जिंदगी का एक मोटिवेशन है, यही मैं चाहता हूं और आपसे भी अपील करता हूं, कृपया ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।